के रास्ते, आत्मा के वास्ते, चल रे राही चल। किष्किंध नगर के वानरवंशी राजा सूर्यरज की रानी चंद्रमालिनी के अनेक गुण संपन्न बाली नामक पुत्र हुआ। वह सदा उपकार करने वाला, शीलवान, कुशल, पंडित, धैर्यवान, लक्ष्मी संपन्न, ज्ञानी, अनेक कलाओं से युक्त, सम्यक दृष्टि, महाबली, राजनीति में प्रवीण और दयावान था। वह किष्किंधपुर में देवों के समान रहता था। अनुक्रम से उसके छोटा भाई हुआ सुग्रीव। वह महावीर, बहुत सुंदर, महानीतिवान और विनयशील था। सुग्रीव के बाद उसकी एक बहन हुई श्रीप्रभा। श्रीप्रभा ऐसी थी मानो साक्षात लक्ष्मी। सूर्यरज के छोटे भाई को नल नील दो पुत्र हुए। राजा सूर्यरज महान ज्ञानवान थे। उन्होंने अपने पुत्र बाली को राजपद और सुग्रीव को युवराज पद दिया और स्वयं संसार के माया जाल से विरक्त हो गए। सच में ज्ञानी की पहचान तो यही है कि समय रहते अपना भव और भाव दोनों सुधार लें। तदनंतर बाली का ध्रुवा नामक पतिव्रता स्त्री से विवाह हुआ और दोनों स्वर्गों के समान सुख भोगते हुए अपने नगर में राज्य करने लगे। उधर दूसरी तरफ रावण की सर्वांग मनोहर बहन चंद्रनखा को मेघप्रभ विद्याधर के पुत्र खरदूषण हरना चाहते थे। लंका को रावण से विहीन देख वह चंद्रनखा को हर लाए। रावण को पता चलते ही वह बहुत क्रोधित हुआ, परंतु मंदोदरी ने रावण को समझाया कि एक दिन तो अपनी कन्या किसी न किसी को देनी ही है, तो उसी को सही। खरदूषण भी 14,000 विद्याओं का स्वामी है, फिर उससे युद्ध करके अपनी बहन को विधवा बनाना उचित नहीं है। यह सुनकर रावण मान गया। अथानंतर महाबली बाली रावण की आज्ञा से विमुख हो गया, अर्थात रावण की कोई भी आज्ञा मानने को तैयार ही नहीं था। तभी रावण ने युद्ध के लिए किष्किंधापुर पर चढ़ाई शुरू कर दी। बाली ने विचार किया कि अगर मैं चाहूँ तो रावण और उसकी सेना समेत अपने बाएं हाथ की हथेली से नष्ट कर सकता हूँ, परंतु मैं ये काम क्यों करूं? इस प्रकार संसार की असारता को विचार कर बाली ने अपने छोटे भाई सुग्रीव को राज्य सौंप दिया और स्वयं गगनचंद्र नामक मुनिराज से दिगंबरी दीक्षा ली और उग्र तप किया। उत्तम आचरण के कारण वह अन्य मुनियों के लिए आदर्श बन गए। उधर एक बार रावण कैलाश पर्वत के ऊपर से गुजरे तो उनका पुष्पक विमान जिन मंदिरों व बाली मुनि के प्रभाव से आगे न जा सका। रावण के पूछने पर उनके मंत्री मारीच ने बताया कि ये कोई मुनि है जो ऐसी गर्मी में इन पत्थरों पर उग्र तप कर रहे हैं। ये शीघ्र ही मुक्ति पाना चाहते हैं। अपने विमान से नीचे उतर के इनको प्रणाम करो और दूसरे मार्ग से आगे बढ़ो। नीचे उतर के रावण ने बाली मुनि को देखा और पुरानी शत्रुता को याद कर क्रोधाग्नि से जलने लगा और मुनिराज को कठोर शब्द कहे तथा मुनिराज सहित कैलाश पर्वत को उखाड़ फेंकने की प्रतिज्ञा ली। रावण ने अपनी समस्त विद्याओं के जोर से अपना रूप बड़ा किया और कैलाश पर्वत को उठाने के लिए तैयार हुआ। इससे दसों दिशाओं सहित कैलाश पर्वत भी चलायमान हो गया। क्षमा स्वभाव के धारी महामुनिराज ने इस कृत्य को जानकर कुछ नहीं किया और समता धारण किए रहे, क्योंकि उनके लिए तो ना कोई शत्रु है और ना कोई मित्र। परंतु कैलाश पर्वत पर भरत चक्रवर्ती के द्वारा
निर्मित जो अनेक रत्नमयी ऊंचे ऊंचे चैत्यालय हैं तथा इस पर्वत पर अनेक जीव भी विचरण कर रहे हैं, उनको कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। इसलिए महामुनि राज ने अपने पैर का अंगूठा हल्का सा दबाया, जिससे रावण महाबोझ से दब गया। उसका विशाल रूप भी नष्ट हो गया, उसका माथा खून से लाल हो गया, घुटने छिल गए और वो रोने लगा। यद्यपि अभी तक वो दशानन कहलाता था, परंतु अब रोने के कारण उसका नाम रावण पड़ गया। रावण की यह परम दयनीय दशा देखकर क्षमा के धारी महामुनिराज ने अपने पैर का अंगूठा ढीला किया। तदंतर रावण ने उनके पास आकर क्षमा मांगी और उनकी स्तुति करने लगा। पश्चात तीन प्रदक्षिणा देकर निकट के जिन मंदिर में प्रवेश किया और अपने हाथ की नस को निकालकर वीणा के समान बजाने लगा और जिनेंद्र देव का गुणानुवाद करने लगा। रावण की ऐसी तन्मयता वाली स्तुति देखकर स्वर्ग के भवनवासी देव आए और भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वरदान स्वरूप अमोद विजया नामक शक्ति दी। पश्चात रावण ने एक माह तक कैलाश पर्वत पर जिनेंद्र देव की भक्ति की, फिर अपने घर वापस गया।